हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज के हमारे टॉपिक है ब्लीडिंग गम्स का इलाज, यानी मसूड़ों से खून बहने का इलाज। मसूड़ों से खून बहना तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसका इलाज भी बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप नेगलेक्ट करेंगे तो बहुत ही कम उम्र में हसीन मुस्कुराहट के साथ साथ अपने मजबूत दांत भी खोने की संभावना है। थोड़े लोगों में सिर्फ टूथब्रश करने से या कोई चीज़ खाने से, मसलन के एप्पल वगैरह खाने से खून बहता है, थोड़े लोगों में हल्का सा स्पर्श से भी बहुत ज़्यादा खून मसूड़ों से बहता है। चलिए दोस्तों, इन सब चीज़ों का डिटेल से बात करें। चलिए हम आपको बता दें कि आप अपने घर बैठे अपने मसूड़ों की परीक्षा कैसे कर सकें ताकि आपको अपने मसूड़ों का स्टेटस पता चले। सबसे पहले मसूड़ों को कलर के बारे में बताते हैं। स्वस्थ मसूड़े दिखने में गुलाबी या कोरल पिंक होते हैं। यदि आपके मसूड़े लाल या नीले या फीके दिखते हैं तो आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम है। और दूसरी विशेषता यह है कि अगर आपके गम्स को थोड़ा ड्राई कर लें तो छोटे छोटे डॉट्स दिखने लगते हैं। इसको बोलते हैं ऑरेंज पील अपीरेंस। अगर आपके मसूड़ों में सूजन हो जाती है तो ये छोटे छोटे डॉट्स नहीं दिखते और सारा मसूड़ा स्मूथ और शाइनी हो जाता है और जगह जगह खास करके अपने दोनों दांत के बीच में सूजन नजर आता है। अब ब्लीडिंग गम्स का इलाज जानने से पहले उसके कारण जान लें। मसूड़न से खून निकलने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है कीटाणु पट्टिका के रूप में दांतों के ऊपर जम जाना। इसको मेडिकल भाषा में कहते हैं प्लाक एंड कैलकुलस ऑन टीथ। दूसरा, दांतों के बीच में खाना फंस कर छुपा रहना। तीसरा, धूम्रपान और शराब का सेवन। इसके अलावा ऐसे कारण, तात्कालिक कारण भी हैं जो समय के साथ साथ ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। वो है जिस्म में हार्मोन की तब्दीली, जो अक्सर टीनेजर्स में नज़र आता है, गर्भ अवस्था, प्रेगनेंसी कंडीशन और पोषक आहार की कमी। अब इलाज की पूरी जानकारी दे दें। इलाज में तीन मुख्य घटनाएं हैं। अगर आप इन तीनों में से कोई भी इलाज का नेग्लेशन करेंगे तो दोबारा ये प्रॉब्लम वापस आ सकता है। सबसे पहले गम मसाज, यानी मसूड़ों का मसाज करना। दूसरे, मुंह की सफाई। तीसरा, संरक्षा। मसूड़ों का मसाज, जैसे ही आप अपने दांतों को साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा टूथपेस्ट या मेडिकेटेड जेल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, इसको आप अपनी उंगली पर डालें और मसूड़े पर 2 या 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करें। इससे आपके मसूड़ों के ऊपर जमा हुआ बैक्टीरिया निकल जाता है, साथ ही साथ आपके मसूड़े मजबूत होकर दोबारा अपने दांतों पर अच्छे से चिपक जाएंगे। मुंह की सफाई, बहुत से लोग कहते हैं कि वे रोजाना 2 बार दांत साफ करने पर भी ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होता। दोस्तों, एक बार ब्लीडिंग गम्स का मुख्य कारण याद दिला दूं, कीटाणु पट्टिका या पथरी के रूप में, जिसे टार्टार या प्लाक एंड कैलकुलस भी कहते हैं। जब तक ये टार्टार दांतों पर है तब तक गम ब्लीडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसकी तुरंत सफाई करना है, क्योंकि इस पैंडमिक में डेंटिस्ट के पास जाना मुश्किल है। जो जेल और माउथवॉश डिस्क्रिप्शन में बताया गया है, इसका इस्तेमाल जारी रखें। जैसे ही आपकी परिस्थिति फेवरेबल हो, डेंटिस्ट के पास जाकर टार्टार की सफाई करा लें। दोनों दांत के बीच में खाना फंसना तो आम बात है, इसको भी फौरन सफाई कर लें ताकि बैक्टीरिया का प्रभाव ना हो। इसके लिए कोई नोकीली चीज इस्तेमाल ना करें। इसके लिए सॉफ्ट इंटरडेंटल ब्रशेस और फ्लॉस जैसे सॉफ्ट वस्तुओं का इस्तेमाल करें। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और जब भी कोई मीठी चीज खाते हैं तो फौरन कुल्ली कर लें, साथ ही साथ मसूड़े और दांतों पर भी अपनी उंगली से साफ कर लें। अब बारी है टीनेजर्स और प्रेग्नेंट लेडीज की। टीनेजर्स और प्रेग्नेंट लेडीज में
हार्मोनल चेंजेस के वजह से गम्स बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है। सो इनको चाहिए कि वे ज़्यादा गम केयर और मेंटेनेंस पर ध्यान करें, जैसे कि प्रेगनेंसी प्लानिंग के पहले डेंटिस्ट को कंसल्ट करें और सारे नेसेसरी इलाज करवाएं, और टीनेजर्स अपने छोटे छोटे डेंटल प्रॉब्लम्स और रेगुलर क्लीनिंग पर भी ध्यान दें। तो दोस्तों, ये था हमारा ब्लीडिंग गम्स का टॉपिक। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपने ओपिनियंस और सजेशंस और दूसरे वीडियो की मांग आप कमेंट्स में बता सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।